और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होने के पूर्वानुमान जताए गए हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी भोपाल समेत 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में भारी बारिश होगी। बड़ी जानकारी, जहां मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होगी और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल समेत 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर और छतरपुर समेत टीकमगढ़, साथ ही निवाड़ी जिलों में भी भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि अभी और भी बारिश होने वाली है इलाके में। और देखिए आप, मध्य प्रदेश में वैसे भी औसतन जो बारिश होनी चाहिए उससे ज्यादा ही लगातार बारिश हो रही है और अभी और सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसमें 24 घंटे में लगातार बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मध्य प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होती रहेगी कुछ और दिन। इसी तरह से 25 जिलों को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इस बारिश को लेकर जारी किए गए अलर्ट का क्या असर होगा और किस तरह बारिश अपना रूप दिखाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं और यदि और भारी बारिश होती है तो इसका और गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो डिप्रेशन है नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ उससे लगे हुए झारखंड के एरिए पे स्थित है और एक साइसर ऊपर बना उससे ट्रफलाइन होती हुई जा रही है। इसके वजह से जो पिछले 24 घंटे में खाली सबसे अधिक रेनफॉल जो दर्ज की गई वो सीधी की चढ़ाट पर 140 दर्ज की गई है। उसके हिसाब से जो पूर्वानुमान दिया गया है उसमें कम से कम 15 जिलों में वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया, वो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के जिले हैं। उसके अलावा 25 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया जहाँ वर्षा 65 एमएम से लेकर 115 एमएम के आसपास रह सकती है। सिस्टम तो थोड़ा सा यूपी की तरफ चला जाएगा तो वर्षा की गतिविधियों की कमी आ जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, 25 जिलों में और ज्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार मानसूनी सिस्टम एक्टिव है। वे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। अगर आप बीते 24-48 घंटे की बात करें तो जो भोपाल और भोपाल के आसपास का इलाका है, मालवा अंचल का इलाका, महाकौशल के नरसिंहपुर जिला, छिंदवाड़ा और आसपास का जो इलाका है वहां पर लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला। भोपाल में भी कल देर रात तक लगातार जो है अच्छी खासी बारिश चलती रही। गणेश विसर्जन भी उस बारिश के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और आने वाले 2-3 दिनों के लिए भी इसी तरीके का जो अलर्ट है मौसम वैज्ञानिकों ने वो जारी किया है। मध्य प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में अच्छी खासी बारिश होने के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। कई जगह पे गरज चमक के साथ बिजली कड़कने की और गिरने की जो संभावना है वो भी मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मध्य प्रदेश में जो कोटे की बारिश होनी थी, एवरेज रेनफॉल होना था, उससे ज्यादा रेनफॉल पहले ही हो चुका है और अब ये जो एक्सेस रेनफॉल है ये लगातार नजर आ रहा है और नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। लगातार जो गेट हैं वो खोलने पड़ रहे हैं जिसके चलते कई जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर जलभराव जैसी जो स्थितियां हैं वो भी बनती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल की भी अगर बात करें तो कलियासोत का जो डैम है वो उसके गेट खुले हुए हैं ताकि जो लगातार ज्यादा पानी का भराव हो गया था उसकी की जा सके। वहीं किसानों के लिए जरूरी मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान को लेकर लोगों में भी अब उन्हें अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर।